हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है सी प्लस प्लस की, क्या सीखने वाले हैं, क्या नया है आज के इस प्रोग्राम में, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं एक प्रोग्राम लिखा है मैंने, और इस प्रोग्राम में मैंने पैटर्न को प्रिंट करवाने का प्रोग्राम लिखा है। अब यहां पे देख सकते हैं नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज किया और ये हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और यहां पर मैंने फॉर लूप लगाया है, आई और जे दो वेरिएबल बनाए हैं। आई में पहले इनिशियलाइज किया है 1, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 5 किया है और प्लस प्लस आई किया है, यहाँ प्लस प्लस जे किया है और इसको प्रिंट करवाया है। एक बार इसको बिल्ड पे चल के कंपाइल करवाते हैं। यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ pat.cpp के नाम से, क्योंकि सी लैंग्वेज की फाइल की एक्सटेंशन सी होती है .c, और C++ के फाइल की एक्सटेंशन होती है .cpp। तो बस इसको सेव कर लिया, कोई एरर नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपाइल भी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से रन पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये जो रन दिखाई पड़ रहा है, आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि ये पैटर्न प्रिंट होकर आ रहा है आपके सामने, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, यहां पे 6 कर दीजिए, तो ये 6 लाइन का पैटर्न प्रिंट करेगा। तो ये 6 कर दिया यहां पे, ठीक है। और बस अब आपको क्या करना है, यहां से आप जाएंगे और इसको सेव करेंगे, बस ये हो गया। ये जो हमने रन करवाया था, इसको बंद करते हैं, फिर से इसको दोबारा से कंपाइल रन करवाते हैं। तो ये कंपाइल हो गया, और फिर यहां से कंपाइल होने के बाद हम इसको करवा देंगे रन। तो ये रन भी करवा दिया। तो अब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। अगर आप यहां पे 7 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, जितनी लाइन करेंगे उतनी लाइन प्रिंट होकर आएगी। देखिए यहां पे 10 कर दिया मैंने, तब ये 10 लाइन का पैटर्न प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी ये कंपाइल नहीं करवाया था मैंने, तो पहले इसको कंपाइल करवाते हैं। तो ये कंपाइल करवा दिया हमने, और कंपाइल करवाने के बाद अब इसको यहां से रन करवा दीजिए। तो ये रन करवा दिया, तो अब देखिए अब ये 10 लाइन का पैटर्न प्रिंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन का पैटर्न है। आई होप कि बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।